हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूँ उत्तराखंड वाला यहाँ की। जैसे कि मैं आया था देहरादून, तो मैं आज जा रहा हूँ टपकेश्वर मंदिर। तो गाइस मिलते हैं उधर ही। बाय बाय। तो जा रहे हैं मंदिर के अंदर धीरे धीरे। तो यह है हमारा टपकेश्वर मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इधर टपकेश्वर ये हनुमान जी की मूर्ति देख सकते हैं सामने। हनुमान जी की मूर्ति है। यह है यहाँ द्वार और यह प्राचीन मंदिर है। इसे लिखा है यहाँ प्राचीन श्री टपकेश्वर महाराज देव मंदिर द्रोण द्वार। तो बहुत ही पीस फील हो रहे हैं, शांति। जैसे कि मेंशन है यहाँ पर, प्राचीन समय भू शिवलिंग टपकेश्वर महाराज देव मंदिर। ये सब ठीक है। ये गाय से मंदिर की मूर्ति इधर। ये सीढ़ी यहाँ से नीचे जाते हुए। बहुत ही प्राचीन मंदिर है गाइस। ये देखिए गाइस। और गाइस ये टपकेश्वर मंदिर ये आसन रिवर के साइड में बसा हुआ है, किनारे में। देख सकते हैं हमारे पीछे आए आसन रिवर है, जो कि सीजनल बहती है सीजन के टाइम पर। देख सकते हैं पूरा नज़ारा, ये रिवर पूरी आसन रिवर। इस मंदिर के अंदर गुफा है, वहाँ पर एक शिवलिंग है जो कि स्वतः धरती से उत्पन्न हुआ है। तो उसके दर्शन करेंगे शिवलिंग के अभी हम जाकर अंदर मंदिर में। तो गाइस हमारे साथ बने रहिए आप। तो गाइस जो अंदर गुफा है मंदिर के अंदर, तो उस गुफा का नाम है द्रोणा गुफा, जो कि द्रोणाचार्य जी के नाम पर रखे हैं, जो कि पांडव एंड कौरव के गुरु हैं द्रोणाचार्य। तो उनके नाम पे इस गुफा का नाम रखा है द्रोणा गुफा। हम द्रोणा गुफा के अंदर जाते हुए दर्शन के लिए। जय शेडो शेडो। गाइस अब हम गुफा के अंदर एंटर कर रहे हैं मंदिर के अंदर, जो कि मंदिर के अंदर है गुफा, द्रोणा गुफा। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। देखिए गाइस, जय वासुदेव। तो ये है मंदिर गाइस। ये शिवलिंग यहाँ पे ये स्वतः उत्पन्न हुआ है। यह है ब्रिज, ब्रिज। गाइस ब्रिज के ऊपर से नज़ारा दिखाते हैं आपको अभी। ये सिनेमेटिक शॉट्स गाइस। ये है रिवर आसन रिवर, जो कि यहाँ से बह के आ रही है। इसने नज़ारा और हो गए हमारे दर्शन गाइस। जैसा कि हमने टपकेश्वर मंदिर के दर्शन कर चुके हैं, और ये अभी हम हैं ब्रिज पे छोटे से, और पीछे बह रही है हमारे आसन रिवर।